नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की ये 114वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए आप भी अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनमें से कुछ चयनित विचारों और सुझावों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज नांगल चौधरी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। इस रैली के जरिए केंद्रीय मंत्री अहिरवाल को साधने का प्रयास करेंगे। इस रैली में अहिरवाल से भाजपा के बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन चारों में ही अहिर मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, तो अन्य जातियां भी चुनाव को प्रभावित करती हैं। इसी वजह से बड़े स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरनगर जिले में जर्जर पोल बदले जाने के कारण आज कई जगहों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के मुताबिक 33/11 केवी टीपी नगर उपकेंद्र की 11 केवी लाइन के जर्जर पोल बदले जाने के कारण टीपी नगर बिजली घर की भोपा रोड बंद रहेगी, जिससे क्षेत्र गांधी नगर, शांति नगर, भोपा रोड, तुलसी नगर आदि की विद्युत आपूर्ति आज सुबह से शाम तक बाधित रहेगी। जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संबंधित विभागों की संयुक्त प्रयासों एवं समन्वय से आज से 2 अक्टूबर तक सुरक्षित जल शक्ति अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की थीम जल हमारा जीवन धारा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के बारे में समुदाय की समझ बेहतर बनाना, समुदाय में योजना के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा करना एवं सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आज सुबह से मध्यान्ह 12:15 तक प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा जगदलपुर शहर के 15 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान के दौसा में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज विश्व हृदय दिवस का आयोजन किया जाएगा। बता दें, इस बार इसकी थीम यूज हार्ट फॉर एक्शन रखी गई है। CMHO डॉक्टर सीताराम मीणा ने बताया कि हृदय रोग का सीधा संबंध तंबाकू सेवन से भी है। रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग द्वारा जिला सिरमौर के कपोटा क्षेत्र की तहसील कमरऊ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कपोटा में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि रोजगार मेले में लगभग 40 नियोक्ता लगभग 1800 रिक्तियों को भरने के लिए मेले में भाग लेने के लिए शामिल होंगे। जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने नगर निगम सोलन के उपनिर्वाचन के संबंध में ड्राई डे के विषय में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन के वार्ड 5 के लिए आज होने वाले उपनिर्वाचन के दृष्टिगत नगर निगम सोलन की परिधि में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। झारखंड के राजधनवार में आज आयोजित रविदास महासभा के प्रखंड स्तरीय सम्मेलन को लेकर खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है। आवेदन में कहा गया है कि आगामी 29 सितम्बर यानी आज धनवार के सर्कस मैदान में रविदास महासभा का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन किया जाना है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात बिहार के रास्ते फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, जिसके चलते आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसके चलते आज येलो अलर्ट जारी किया। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1836 में आज के दिन मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई। साल 1932 में आज के दिन प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद का जन्म हुआ था। साल 1959 में आज के दिन आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। साल 1968 में आज के दिन कलकत्ता में बिरला तारा मंडल की शुरुआत हुई थी। साल 1977 में आज के दिन भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी जल बंटवारे पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।